के दो दिन बाद अनवार अल हक को केयरटेकर पीएम के रूप में चुना गया। विपक्ष और सरकार में अनवार के नाम पर सहमति बनी है। ये बीएपी के सीनेटर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित टीचर्स यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे गांधीनगर के मनसा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन है। वे अपने संसदीय क्षेत्र में आम लोगों से मुलाकात करेंगे। शाम को कोझिकोड जिले के कोंडानचेरी में सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र की आधारशिला रखेंगे। भोपाल और इंदौर और ग्वालियर समेत 41 जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन नेताओं ने वायरल एक पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके आधार पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया है। राजस्थान के भिवाड़ी में अपने पाकिस्तानी फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से शादी करने पाकिस्तान पहुंची अंजू उर्फ फातिमा की प्रेम कहानी अब सिनेमा के पर्दे पर दिखेगी। फायरफॉक्स प्रोडक्शन कंपनी ने इस फिल्म की घोषणा की है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे 50% कमीशन खोरों से। जब कांग्रेस के नेता अंग्रेजों से नहीं डरे तो उनके तलवे चाटने वाले से नहीं डरेंगे। नारायणपुर में डीएवी स्कूल को डीएफ मद में 25 लाख की राशि मिली। मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल गरांजी में पिछले कुछ सालों से सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं। पिछले वर्ष कुल विद्यार्थी की संख्या 545 थी, लेकिन इस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 725 हो गई है, जिसमें उच्च शिक्षा प्रदान के लिए बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ग्वालियर में भूमाफियों में शमशान की जमीन पर कब्जा कर कॉलेज की इमारत खड़ी कर दी है। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव के चलते करीब 3 दर्जन से ज्यादा किसानों की जमीनों पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। शिकायत करने पर पुलिस से सांगगाठ पर किसानों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करवाने का आरोप लगाया है। स्वतंत्र दिवस के 77 साल वर्षगांठ से पहले राजधानी भोपाल में स्पोर्ट्स प्रमोटर ग्रुप और लाइसेंस क्लब भोपाल ने राइड फॉर प्राइड साइकिल राइड का आयोजन किया। भोजपुर क्लब से शुरू हुई साइकिल राइड बोट क्लब पर समाप्त हुई। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने डीसीएम ट्रक से 553 पेटी शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरा मामला ललौली थाना क्षेत्र के खतौली गांव का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ढाबे में दबिश दी। गया में अनियंत्रण बाइक बस की चपेट में आ गई। हादसे में नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला देहला थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर मुख्य सड़क का है। नाबालिग कॉलेज से घर जा रही थी, इस दौरान बाइक अनियंत्रण हो गई। नाबालिग की बस के पीछे वाले पहिए में आने से मौत हो गई। कानपुर में एक मां के लिए गोद लिया हुआ बेटा ही दुश्मन बन गया। मामला बेगल पुरवा इलाके का है, जहां एक महिला ने 2003 में अपने भाई के परिवार से बेटे को गोद लिया था, लेकिन जैसे ही बेटा बड़ा हुआ उसकी हरकतें खराब होने लगी। महिला ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर उसे चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया, लेकिन पड़ोस के ही रहने वाले दोबारा बेटे को सुलह करने की कोशिश की। मंडला में पुलिस विभाग की टीम हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों से मिली और अभिमन्यु अभियान 2 के तहत बच्चों को विभिन्न जानकारियां दी। टीम ने बच्चों को पैसा एक्ट नियम, यातायात नियम, भ्रूण हत्या, अशिक्षा जैसे कई नियमों के बारे में समझाया।
थोड़ी सी ही बारिश ने पीलीभीत अमरिया को जोड़ने वाले पुल के घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। सीजन की बारिश से पुल की अप्रोच रोड का लगभग 10 फीट का हिस्सा फिर से ध्वस्त हो गया। पुलिस ने पुल पर आना जाना रोक लगा दी है। इसके आसपास के गांव के जनजीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। सूरजपुर में थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए जमीन अधिग्रहित की गई है। वहीं जमीन किसानों को वापस दिलाने के संसदीय सचिव पारसनाथ राजवड़े ने पहल की है। दरअसल सिरसी, चौपन, रगदा, पसीरा के किसानों की जमीन का अधिग्रहण पर थर्मल पावर प्लांट बनाने की तैयारी की गई थी। खमरिया और तिलवारा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों सहित एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोर सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और चुराए गए माल को महिला बेचने का काम करती थी, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों से कई सामान बरामद किए गए हैं। जबलपुर पुलिस ने 6 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो धार्मिक स्थलों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इन चोरों का मुख्य निशाना दान पेटी हुआ करता था। जलौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर चलते ट्राला में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यह हादसा तब हुआ जब कानपुर से एक ट्राला गिट्टी भरने के लिए झांसी जा रही थी। आग बढ़ती देख चालक ने कूदकर जान बचाई। जलालपुर के ग्राम सभा नहोरा के नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में 75वां अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बच्चों ने पूरे गांव में भ्रमण करते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि अमृत महोत्सव हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुरैना के चांचल गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलियां चली। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला निरार थाना क्षेत्र का है। घायलों को जौरा अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद घायलों को इलाज के बाद जौरा अस्पताल से जिला अस्पताल मुरैना के लिए रेफर कर दिया गया। नोएडा में हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात रहा। इमाम हुसैन की याद में निकाले गए कैंडल मार्च में हिंदू समाज और जैन समाज के लोग मौजूद रहे। सिंगरौली की खुटार चौकी पुलिस ने खुलेआम स्मैक की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 32 बोर पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 12 ग्राम स्मैक के साथ एक स्विफ्ट डिजायर भी बरामद की गई है। पुलिस तस्करी में शामिल एक फरार आरोपी की तलाश कर रही है। अगस्त से पहले दिल्ली में स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने भारी संख्या में हथियारों के जखीरे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने आरोपी के पास से 21 पिस्टल बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला है। मसूरी में भच्चा क्यारकुली गांव में नाग देवता की डोली का स्वागत हुआ। नाग देवता की डोली का ग्रामीणों द्वारा फूलों से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। ग्राम सभा भ्रमण के बाद नाग देवता की डोली अपने स्थान मसूरी नाग मंदिर पहुंची। देहरादून पुलिस ने जमीन घोटाला करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर जमीन की हेराफेरी किया करते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक पीआरडी का जवान है, जिसकी रजिस्ट्रार ऑफिस में अच्छी पकड़ है। एनजीटी कोच के आदेश अनुसार गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में वाहन स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी दीपिका मेहर ने ई रिक्शा में बैठकर परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया, जहां बाहरी गाड़ियों का आना जाना देख दीपिका मेहर नाराज हुई।
पुरुषोत्तम मास के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती देख यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी दीपिका मेहर और क्षेत्र अधिकारी राम मोहन शर्मा मौके पर पहुंचे और बाधित आने जाने को सुचारू करवाया। मुरैना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के से कब्जे में 18 हथियार 17 कारतूस बरामद किए हैं। मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद ठाकुर ने दी। बता दें कि अवैध हथियारों की बड़ी खेप खपाने के लिए तस्कर मुरैना के रास्ते से ग्वालियर चंबल के जिले में बेच रहे थे। अमरोहा के गांव वसी में 7 वर्षीय बालक का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का है, जहां मासूम बीते 35 दिनों से लापता था। पूरा मामले में पुलिस ने मृतक के कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। डिंडौरी के बाजाग थाना क्षेत्र में एक गांव में 2 युवकों ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, नाबालिग पड़ोस में बर्थडे में शामिल होने गई थी। इसी दौरान गांव के 2 युवकों ने नाबालिग लड़की का रास्ते रोककर घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी परिजनों ने बाजाग थाना क्षेत्र में दी। पुलिस ने गाजीपुर के करंडा ब्लैक प्रमुख आशीष यादव की संपत्ति कुर्क की है। गाजीपुर पुलिस ने आशीष यादव के वाराणसी स्थित 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आशीष के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आशीष पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश के बाद यह एक्शन लिया गया है। हापुड़ में झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से घायल महिला ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एमजीएसएस हॉस्पिटल को सील कर दिया। बता दें कि अस्पताल बिना पंजीकरण के चल रहा था, जहां अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल संचालकों पर आरोप लगाया है। जलौन में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 साल के मासूम को मानसिक विक्षिप्त युवक ने कुएं में फेंक दिया। डूबने से मासूम की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद मासूम के शव को बाहर निकाला। मासूम के साथी की माने तो दोनों सामान लेने गए थे, इस समय यह हादसा हुआ। देवास में कांवड़ यात्रा के आयोजकों ने देवास बंद का आवन जावन किया। दरअसल बीते दिनों नगर निगम ने कांवड़ यात्रा के पोस्टर निकाल दिए थे, जिससे आक्रोशित होकर आयोजकों ने निगम में हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने प्रदीप चौधरी सहित 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कानपुर जेल में जल्द ही एक रेडियो स्टेशन का संचालन शुरू किया जाएगा, जिसमें कैदी रेडियो जॉकी के रूप में काम करेंगे। रेडियो स्टेशन की लॉन्चिंग 15 अगस्त को होने वाली है। कानपुर जेल अधीक्षक बीजी पांडे ने बताया कि कैदी अपनी स्वसंरचित कविताओं और गीतों के साथ जेल में दिन भर यह काम कर सकते हैं। मसूरी के आर्ट स्पेस के जरिए शुभ दर्शनी सिंह की पेंटिंग की सोलो प्रदर्शनी लगाकर प्रदर्शनी का उद्घाटन लेखक गणेश शैली ने किया। शुभ दर्शनी सिंह की भूली बिसरी यादें पेंटिंग में लोगों का मन मोह लिया। नारी सहनशीलता पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी की गई। फतेहपुर में फोटोग्राफर एसोसिएशन के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों में आए फोटोग्राफर्स को फोटोग्राफी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। फोटोग्राफर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि जब तक फोटोग्राफर को फोटोग्राफी की सूक्ष्म और विशिष्ट तकनीक की जानकारी नहीं होगी, तब तक फोटोग्राफर आजकल के मोबाइल फोटोग्राफी से अलग रहेंगे। सूरजपुर में धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया गया। रमकोला में स्थित हाथी रेस्क्यू सेंटर में बड़ी धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया गया। इस दौरान हाथियों को फूल माला से सजाया गया, वहीं हाथियों के लिए कई तरह के व्यंजन भी बनाए गए। सरगुजा वन मंडल में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस दौरान सरगुजा जिले के सभी वन परिक्षेत्र के अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड मौजूद रहे। एलिफेंट ट्रैकर के माध्यम से समय रहते हाथियों से लोगों को बचाया जा सके, इसकी जानकारी दी गई। बता दें कि हाथियों के द्वंद्व से निजात पाने के लिए वन विभाग के पास अभी तक कोई ठोस कदम नहीं है।
थराली के तुंगेश्वर में मेरी बेटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने मेरी बेटी मेरे देश के बारे में विस्तृत जानकारी दी और शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को भी याद किया। गिल जायसवाल की रिकॉर्ड साझेदारी से भारत ने चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 5 मुकाबले की सीरीज में 2-2 की बराबरी हासिल कर ली। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज फ्लोरिडा के लॉडर हिल क्रिकेट ग्राउंड में रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया ने 5 टी20 मैचों की सीरीज में वापसी कर ली है। पहले 2 मुकाबले हारने के बाद 2-0 से पिछड़ने वाले भारतीय टीम अब 2-2 की बराबरी है। इस जीत में बड़ा योगदान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का रहा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में खेला जाएगा। मैच लॉडर हिल स्थित क्रिकेट ग्राउंड पर 8:30 बजे से शुरू होगा। आज का मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा कर लेगी, लेकिन मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। सनी देओल के गदर ने सिनेमा घरों में दस्तक दी है। ऐसे में सनी देओल को उनके फैन से लेकर उनके परिवार और उनके पापा धर्मेंद्र के दूसरे परिवार में भी स्पॉट मिल रहा है। देओल फैमिली को साथ देखने के लिए उनके फैंस की आंखें तरस गई थी। अब ऐसे में ये नजारा फैंस को गदर 2 की रिलीज के बाद देखने को मिल रहा है, जो फैंस के खुश हैं। शाहरुख खान का एक हैंड रिटन लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 6 पेज का लंबा लेटर शाहरुख खान ने अपने कॉलेज के दिनों में लिखा था। इस लेटर पर कोई डेट नहीं लिखी गई है, लेकिन रिपोर्टर्स के मुताबिक शाहरुख खान ने यह लेटर तब लिखा था जब वो कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह की रिलीज के पूरे 2 साल हो चुके हैं। 12 अगस्त 2022 को यह फिल्म OTT पर रिलीज हुई थी, जिसे ऑडियंस ने ढेर सारा प्यार दिया था। फिल्म की दूसरी एनिवर्सरी के मौके पर ऑन स्क्रीन शेरशाह यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म और विक्रम बत्रा के लिए बेहद इमोशनल नोट शेयर किया। रजनीकांत की फिल्म जेलर रिलीज के बाद सिर्फ 3 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। फिल्म के रिलीज के बाद रजनीकांत शनिवार को उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में रजनीकांत मंदिर के अंदर अपने फैंस को ग्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टर फरदीन खान हाल ही में पत्नी नशा और बच्चों के साथ मुंबई में घूमते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। यह बात चर्चा में इस कारण है क्योंकि बीते दिनों खबरों में यह था कि फरदीन और नताशा का तलाक हो चुका है। तमन्ना भाटिया और अभिषेक बैनर्जी स्टारर वेब सीरीज आखिरी सच का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सीरीज की कहानी दिल्ली के पास स्थित बुराड़ी के एक ही परिवार के 11 लोगों द्वारा की गई सामूहिक आत्महत्या पर बेस्ड है। यह सीरीज 25 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। गदर 2 की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी है। फिल्म ने दूसरे दिन में 43 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। 2 दिन में फिल्म का कुल 83 करोड़ रुपए का अर्निंग हो गया है। आज फिल्म 100 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। फिल्म को लेकर क्रेज इतना है कि लोग ट्रेलर से फिल्म देखने पहुंच रहे हैं।